हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई चैनल। देखिए फ्रेंड्स, आज मैं ये वाला डिजाइन लेके आई हूँ। ये डिजाइन 6 रोज़ का डिजाइन है और इस 6 रोज़ आपको रिपीट करते जाना है पूरी प्रोजेक्ट में। इस डिजाइन को आप लेडीज स्वेटर, जेंट्स स्वेटर, बेबी फ्रॉक, जैकेट, कार्डिगन किसी भी प्रोजेक्ट में डालिए, बहुत ही सुंदर बन के आएगा। रंग साइड पर ऐसे दिखता है। इस डिजाइन को बनाने के लिए आपको 8 का मल्टीपल में फंदे लेना होगा, प्लस 4 करना होगा, मल्टीपल ऑफ 8 प्लस 4। देखिए यहाँ से यहाँ तक आपको 8 फंदों का डिजाइन है, यहाँ से यहाँ तक 8 फंदों का डिजाइन है, 8 फंदा का डिजाइन है ये। इसमें मैंने 8 का मल्टीपल करके 16 प्लस 4 कर लिया है, टोटल 20 फंदा डाला है। फर्स्ट रो शुरू करते हैं। फर्स्ट रो एक फंदे से स्लिप करिए एज स्टिच। अब यहाँ से रिपीट पैटर्न स्टार्ट करना है आपको। धागा आगे, 2 फंदा उल्टा, 1 2, धागा पीछे। अब 6 फंदा सीधा, 1 2 3 4 5 6। एज स्टिच को छोड़कर यहाँ से स्टार्ट हुआ है रिपीट पैटर्न। आपको रिपीट करना है 2 फंदा उल्टा, 1 2, 6 फंदा सीधा, 2 4 6, 2 फंदा उल्टा, 6 फंदा रिपीट करना है आपको। फिर से इन्हीं फंदों को रिपीट करना है। धागा आगे, 2 फंदा उल्टा, 1 2, धागा पीछे, 6 फंदा सीधा, 1 2 3 4 5 6। यहाँ तक 2 डिजाइन खत्म हुआ है। यहाँ से यहाँ तक लास्ट में आपको 3 फंदा बचेगा। धागा आगे, 2 फंदा उल्टा, एज स्टिच भी उल्टा। सेकेंड रो 1 फंदे से स्लिप करिए एज स्टिच। अब यहाँ से रिपीट पैटर्न स्टार्ट करना है आपको। 2 फंदा सीधा, 1 2, धागा आगे, 6 फंदा उल्टा, 1 2 3 4 5 6। एक फंदा को छोड़कर यहाँ से स्टार्ट हुआ है रिपीट पैटर्न। आपको रिपीट करना है 2 फंदा सीधा, 1 2, 6 फंदा उल्टा, 2 4 6, 2 फंदा सीधा, 6 फंदा उल्टा। आपको रिपीट करते जाना है। फिर से इन्हीं फंदों को रिपीट करना है। धागा पीछे, 2 फंदा सीधा, 1 2, धागा आगे, 6 फंदा उल्टा, 1 2 3 4 5 6। 2 डिजाइन खत्म हुआ है यहाँ से यहाँ तक। लास्ट में आपको 3 फंदा बचेगा। धागा पीछे, 2 फंदा सीधा, 1 2, धागा आगे, एज स्टिच उल्टा। थर्ड रो 1 फंदे से स्लिप करिए एज स्टिच। धागा आगे। अब यहाँ से रिपीट पैटर्न स्टार्ट करना है आपको। 2 फंदा उल्टा, 1 2, धागा पीछे। अब ट्विस्ट करना है आपको। आपको ये 6 फंदों को ट्विस्ट करना है। आपको ये 3 फंदों को ट्विस्ट करना है, फिर ये 3 फंदों को ट्विस्ट करना है। टोटल 6 फंदों का आपको ट्विस्ट करना है। इस 3 फंदों को आपको ट्विस्ट करना है। आपको राइट नीडल पीछे से लेना है, राइट नीडल आपको 1 फंदों के पीछे, आपको ये 2 फंदों को आपको आगे लाना है, राइट नीडल पीछे से लेना है। इस दो फंदों को आपको आगे लाना है, फिर आगे के एक फंदा आपको पीछे लाना है इस तरह से। अब फिर लेफ्ट नीडल में लेंगे इस 2 फंदों को भी। अब इस 3 फंदों को आपको सीधा बुनना है, 1 2 3, इस तरह से। और फिर इस 3 फंदों को ट्विस्ट करना है, राइट नीडल आगे से लेना है, ये 2 फंदों के पीछे, ये थर्ड स्टिच को आपको आगे से राइट नीडल लेना है, ये थर्ड स्टिच को आपको आगे लाना है, फिर आगे के 2 फंदे फिर पीछे। फिर लेफ्ट नीडल में लेंगे इस फंदे को भी। अब इस 3 फंदों को भी सीधा बुनना है, 1
दो या तीन। अब यही रिपीट करना है आपको, यहाँ से स्टार्ट हुआ है रिपीट पैटर्न, आपको रिपीट करना है दो फंदों उल्टा, एक दो तीन तीन फंदों को इस तरह से आपको ट्विस्ट करना है, एक दो तीन फिर एक दो तीन, छह फंदों का आपको इस तरह से ट्विस्ट करना है। फिर से इन्हीं फंदों का आपको रिपीट करना है धागा आगे, दो फंदा उल्टा एक दो, धागा पीछे, अब इस तीन फंदों को ट्विस्ट करना है, तीन फंदों को ट्विस्ट करना है, राइट नीडल पीछे से लेना है, इस फर्स्ट फंदा को छोड़कर ये दो फंदों को आपको, ये दो फंदों को आगे लाना है, फिर आगे के एक फंदा पीछे, फिर लेफ्ट नीडल में लेंगे इस फंदे को भी, अब इस तीन फंदों का आपको सीधा बुनना है, एक दो ये तीन, और फिर इस तीन फंदों को ट्विस्ट करना है, राइट नीडल आगे से लेना है, ये थर्ड स्टिच को, ये थर्ड स्टिच को आगे लाना है, फिर आगे के दो फंदे पीछे, फिर लेफ्ट नीडल में लेंगे इस फंदे को भी, अब इस तीन फंदों को फिर सीधा बुनेंगे, फिर दो तीन, दो डिजाइन खत्म हुआ है यहाँ से यहाँ तक। लास्ट में आपको तीन फंदा बचेगा, धागा आगे दो फंदा उल्टा, एज स्टिच भी उल्टा, थर्ड रो कंप्लीट कर लिया है। अब फोर्थ रो एक फंदे से स्लिप करिए एज स्टिच, अब यहाँ से रिपीट पैटर्न स्टार्ट करना है आपको, दो फंदा सीधा एक दो, धागा आगे, अब छह फंदा उल्टा, एक दो तीन चार पाँच छ। अब ये रिपीट करना है आपको, यहाँ से स्टार्ट हुआ है रिपीट पैटर्न, आपको रिपीट करना है, दो फंदा सीधा एक दो, छह फंदा उल्टा, दो चार छ, दो फंदा सीधा छह फंदा उल्टा आपको रिपीट करना है। फिर से इन्हीं फंदों को रिपीट करना है, धागा पीछे दो फंदा सीधा, धागा आगे छह फंदा उल्टा, एक दो तीन चार पाँच छ। यहाँ से यहाँ तक आपको दो डिजाइन खत्म हुआ है, लास्ट में आपको तीन फंदा बचेगा, ये दो फंदा सीधा एज स्टिच उल्टा। थर्ड रो कंप्लीट कर लिया है, सॉरी फोर्थ रो कंप्लीट कर लिया है, अब फिफ्थ रो, फिफ्थ रो एक फंदे से स्लिप करिए एज स्टिच, अब यहाँ से रिपीट पैटर्न स्टार्ट करना है आपको, धागा आगे दो फंदा उल्टा एक दो, धागा पीछे, और फिर इस तीन फंदों को ट्विस्ट करना है, फिर इस तीन फंदों को ट्विस्ट करना है, राइट नीडल आगे से लेना है, ये थर्ड स्टिच को आपको आगे लाना है, फिर आगे के दो फंदे फिर पीछे इस तरह से, फिर लेफ्ट नीडल में लेंगे इस एक फंदों को भी इस तरह से, अब इस तीन फंदों का आपको सीधा बुनना है, एक दो ये तीन इस तरह से, और फिर इस तीन फंदों को ट्विस्ट करना है, राइट नीडल पीछे से लेना है, पीछे से इस दो फंदों का आपको, एक फंदों को छोड़कर ये दो फंदों को आगे लाना है, फिर आगे के एक फंदे पीछे लाना है इस तरह से, फिर लेफ्ट नीडल में लेंगे इस फंदे को भी, अब टोटल इस तीन फंदों का आपको सीधा बुनना है, फिर इस तरह से बन के आएगा। आपको ये रिपीट करना है, यहाँ से स्टार्ट हुआ है रिपीट पैटर्न, आपको रिपीट करना है, दो फंदा उल्टा एक दो, फिर इस तरह से आपको तीन तीन फंदों को ट्विस्ट करना है, तीन फंदों को ट्विस्ट करना है, फिर से इन्हीं फंदों को रिपीट करना है, धागा आगे दो फंदा उल्टा एक दो, धागा पीछे, अब इस तीन फंदों को ट्विस्ट करना है, राइट नीडल आगे से लेना है, इससे थर्ड स्टिच को आगे लाना है, फिर आगे के दो फंदा फिर पीछे इस तरह से, फिर लेफ्ट नीडल में लेंगे इस एक फंदों को भी, अब इस तीन फंदों का आपको सीधा बुनना है, फिर एक दो तीन, अब इस तीन फंदों को भी ट्विस्ट करना है,
राइट नीडल पीछे से लेना है, ये दो फंदों को आपको आगे लाना है, फिर आगे के एक फंदा, फिर पीछे इस तरह से। फिर लेफ्ट नीडल में लेंगे इस दो फंदों को भी, और इस दो फंदों का, तीन फंदों का आपको फिर सीधा बुनना है, एक एक दो एक तीन, यहाँ से यहाँ तक आपको दो डिजाइन खत्म हुआ है। लास्ट में आपको तीन फंदा बचेगा, दो फंदा उल्टा, एज स्टिच भी उल्टा। फिफ्थ रो कंप्लीट कर लिया है, सिक्स रो एक फंदे से स्लिप करिए एज स्टिच। अब यहाँ से रिपीट पैटर्न स्टार्ट करना है आपको, दो फंदा सीधा, एक दो धागा आगे, अब छह फंदा उल्टा, एक दो तीन चार पाँच छः, एक फंदे को छोड़कर यहाँ से स्टार्ट हुआ है रिपीट पैटर्न। आपको रिपीट करना है, छः फंदा, दो फंदा सीधा, एक दो, फिर छः फंदा उल्टा, दो चार छः, दो फंदा सीधा, छः फंदा उल्टा आपको रिपीट करना है। फिर से इन्हीं फंदों को रिपीट करना है, धागा पीछे, दो फंदा सीधा, एक दो, धागा आगे, छः फंदा उल्टा, एक दो तीन चार पाँच छः, यहाँ से यहाँ तक आपको दो डिजाइन खत्म हुए। लास्ट में आपको तीन फंदा बचेगा, दो फंदा सीधा, धागा आगे, एज स्टिच उल्टा। देखिए फ्रेंड, डिजाइन सिक्स रो का डिजाइन है, सिक्स रो में ऐसे डिजाइन बन के आएगा। अब आपको यहाँ से वन रो स्टार्ट करना है, देन आपको रिपीट करते जाना है वन टू सिक्स रो। रिपीट करते जाने के बाद आपको ऐसे डिजाइन बन के आएगा। लास्ट में मेरे चैनल को लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।